तो गाइस फाइनली वीवो अपनी वी सीरीज के अंदर एक और फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जो कि 17 अप्रैल को होने वाला है, जिसका नाम होगा वीवो T3X5G। ये फोन जो है ना 15,000 के नीचे आने वाला है। 15,000 के अंदर बहुत ही कमाल के स्पेक्स के अंदर लगाए वीवो ने, बिल्कुल कन्फर्म कर दिया कि 15,000 के अंदर ही हम ये फोन लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, कैसा डिजाइन है, क्या स्पेक्स है, ओवरऑल फोन कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। इस फोन का अगर डिजाइन देखो तो पीछे बैक में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा, 7.9 mm की थिकनेस बताई जा रही है और 199 ग्राम का वेट होने वाला। थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी बड़ी बैटरी आई, बताऊंगा कितने mAh की है सब कुछ। बाकी दो कलर के साथ में आने वाला है, एक ही ग्रीन कलर वाला होगा और ये डार्क रेड वाला कलर आपको देखने को मिलेगा, दो कलर के साथ में आने वाला है। डिजाइन वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ओवरऑल। एंड अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ ना, डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया है, 6.72 inch का FHD+ रेजोल्यूशन वाला एक AMOLED डिस्प्ले देखने मिलेगा, जो की 128 की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 15,000 के अंदर ये AMOLED दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। एक अच्छे ब्रांड का ही फोन होगा और AMOLED डिस्प्ले भी होगा, तो कंटेंट कंज्यूम करने वीडियोस वगैरह आप बहुत ही आसानी से इसमें देख सकते हो, मजेदार। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, इसके अंदर ना स्नैपड्रैगन का 6th Gen प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका एंट्री स्कोर ना 5,60,000 के आसपास आता है और 15,000 के अंदर 5,60,000 एंट्री स्कोर आना बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो आराम से आप गेमिंग भी इसके अंदर अच्छी कर पाओगे, 15,000 रुपए में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6th Gen रियली काफी ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने मिल जाएगा, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने मिलेगा। स्टोरेज वगैरह की बात करें यहाँ पे देखो 4GB, 6GB, 8GB ये 3 रैम वेरियंट रहेंगे और जो रोम होगी उसके अंदर 128GB सिर्फ सिंगल वेरियंट रहेगा। तो 15,000 रुपए में 128GB आपको मिल जाएगा। एंड इसमें कैमरा की बात करूँ ना, यहाँ पे आपको 50 MP का मेन कैमरा देखने मिलेगा, 2 MP का डेप्थ होने वाला है और 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। वीवो के फोन में कैमरा काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो फोटोज वगैरह आप आराम से बढ़िया इसके अंदर निकाल पाओगे। बाकी यहाँ पे हम बात करें बैटरी की, तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। इस वजह से इस फोन का वेट भी काफी ज्यादा हो रहा है, 199 ग्राम, थोड़ा भारी फील होगा, पर 6000 mAh की बैटरी हो 1.5-2 दिन आराम से चला पाओगे। 44 W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट में ये आने वाला है। यही सारे स्पेक्स थे फाइनल जो की होने वाले हैं इस वीवो T3X5G स्मार्टफोन के अंदर, लॉन्च होने वाला है 17 अप्रैल को। और सारे स्पेक्स जो है वीवो ने ऑफिशियली क्लियर कर ही दिए हैं, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिए। क्या ये आप फोन खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, मेरे हिसाब से तो 15,000 के अंदर बेस्ट 5G स्मार्टफोन रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके बता देना, बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।